एक गोपी ने कहा, ऐसा हमारा दिल दुखा रहे तो पाप लगे हो। और दूसरी बोली, अरे बड़ो निष्ठुर है, कछु पाप पुण्य की चिंता ना है। अरे या को नाम लेवे वारे पाप पुण्य से निडर है जाए, तो या को नाम ले वाको पाप पुण्य की चिंता ना रहे। दूसरी गोपी ने कहा, अरे जब सब किताबन में पाप पुण्य लिखो, सब किताब यहां नहीं लिखी है, सब किताबन को करता धरता यही है, ये जाए पाप कह दे वो पाप है, जाए पुण्य कह दे वो पुण्य है। वो पूतना बेचारी आए, दूध प्यावे आई और वहां के प्राण ही ले लिए। गोपी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, नंददास जी तो गोपी की बात बता रहे हैं। अच्छा, गोपियां उद्धव जी को क्यों सुना रही है ये सब? गोपियों ने कहा, बहुत महिमा बखान रहो ना ये, बाकी वो ऐसे हैं वो वैसे, हमसे सुन वो कैसे हैं, ये सब बातन ने तो हम जाने, हम घर की हैं। अरे बड़ो लोभी है, भूल गई वह बल राजा पे गयो, वो तीन पग भूमि मांगी और बेचारे की पीठ पे पाया धर दियो, कछु सत्य सत्य को याने विचार कियो। जब तो मैं कह रही हूँ ये पाप पुण्य जो किताबन में लिखे है ना, सबको करता धरता यही है, या ना पाप लगे ना पुण्य लगे। लोभ की नाव ये, लोभ की नाव ये। अब दूसरी कैसे चुप रहती, अब तो सबको गुणों का स्मरण होने लगा। को कहे अहो कहा हिरण कश्यप ते बिगाड़ो, बोली इससे पूछो हिरण कश्यप ने क्या बिगाड़ा था। परम ढीठ प्रहलाद पिता के सन्मुख झगड़ो, अरे वो या को भगत ही ढीठ हो, अपने बाप ते कोई लड़ो करे। सुत अपने को देत हो शिक्षा दंड बधा, इन बपु धर नर सिंह को नखन बिदार्यो जाए, बिना अपराध के, बिना अपराध के। भाई बिना ही अपराध बेचारे मार दियो, बाकी छाती फाड़ दे ही। अरे अपने छोरा है सिखा रहो, दुनिया सिखाए अपने छोरा है, क्यों बाबा? गोपी कह रही है, अरे भाभी चाहे हिरण कश्यप ने कहा बिगाड़ दियो या को, अपने छोरा है सिखा रहो वो तो, और छोरा वहां को ढीठ हो, तीनों लोकों में कोई कह सकता है ये बात? अब दूसरी ने कहा, अरे वो बात तो भूल ही गई, कौन सी? को कहे सखी कहा दोष शिशुपाल नरेशो, ब्याह करन को गयो नृपति भीषम के देश, दल बल जोर बरात को ठाड़ो छवि बभा। अरे दूल्हो बन के गए वो तो बेचारों बारात जोड़ के, और बार रुक्मिणी जी के पिता ने बुलायो तब तो गयो, स्वयंवर हो रहा था ना रुक्मिणी जी का, शिशुपाल जी को न्योता था, बिना न्योते के थोड़ी गए थे। मैं नहीं कह रहा, गोपी कह रही भाई उसका क्या दोष था। दल बल जोर बरात को ठाड़ो हो छवि बोले, वो तो बेचारा प्रतीक्षा में खड़ा था, अब बरमाला गिरी, अब बरमाला गिरी। इन छल कर दुल्हन हरी छुदित ग्रास मुख काढ़, समझे बोली भूखे के मुख ते रोटी ले ली। आपने स्वार्थी, आपने स्वार्थ, अरे आए बस अपनो ही स्वार्थ सूझे, आए बस अपनो ही सुख दिखे। अरे लोभ की नाव है ये, झूठो यहां की बात पे कौन भरोसा करे। यही विधि होई आवेश परम प्रेम ही अनुरागी, लेकिन आप गोपी की दशा का विचार करिए, उसके नेत्रों से बह रही है अभिनय लक्ष्मी धारा। ये इसीलिए मैंने आरंभ में ही कहा, ये प्रेम के अटपटे बहन गोपी बोलती है, ये अटपटे बहन जिसको देह गए कि सुध ना होगी। मैंने तो कम से कम समग्र भक्ति साहित्य में ऐसी बात कही नहीं पड़ी, जैसी बात गोपी कह सकती है वैसा कौन कह सकता है। ये बात बताती है कि कैसा अधिकार है गोपी का।